हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सेशन में आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एक टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर संविधान सभा, तो संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में बन सकते हैं, हम उसको आज आइए देखते हैं। तो ये देखिएगा, आप हमारे पहले संविधान की यहाँ पर फोटो है, पहले संविधान, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सरदार पटेल जी। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा के गठन के समय, संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है कि संविधान सभा के गठन के समय उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या थी 389। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका न्यू दिल्ली या दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर की बात हो रही है, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर की बात हो रही, तो 11 दिसंबर को संविधान सभा का एक स्थायी सदस्य चुना गया था। तो वो स्थायी सदस्य आपके कौन थे, वो स्थायी सदस्य थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, मीन्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी संविधान सभा के लिए थी आपकी 12। तो इसका ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है आपका बीएन राव, के संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, बीएन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब यूनियन कमेटी के, प्रोविंस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में हैदराबाद जो थी आपकी एक देसी रियासत, हैदराबाद देसी रियासत थी उस वक्त, तो हैदराबाद की देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा की बैठकों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी कब हुई थी, तो प्रथम बैठक मैंने क्वेश्चन में बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी आपकी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, ठीक है, जो कि कैसे अध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इनके बारे में बात करें तो प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल नहीं हो पाए थे संविधान सभा में जब बैठक हो रही थी, तो उसके कारण एक अस्थायी सदस्य बनाया गया था आपके डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। तो किस तरीके से इन्हें बनाया गया, सचिनानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे उस वक्त संविधान में, इसलिए डॉक्टर सचिनानंद जी का चुनाव हुआ था अध्यक्ष के लिए, ठीक है, अस्थायी सदस्य थे,
ओके नेक्स्ट बात करें यहाँ पर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा में टोटल वुमेन्स थी आपकी 12 महिलाएं संविधान सभा में थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें हम, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा को कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूछ रहा है संविधान सभा को कब लागू किया गया था, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि, तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ध्यान दें, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा की लास्ट जो मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तो भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आपका पारित कर दिया गया था, बट इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान को लागू किया गया था, तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये हमारी थोड़ा सा मैंने फोटो लगाया यहाँ पर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये हमारे संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ट्राई कीजिएगा कि ध्यान रखें इन क्वेश्चनों को जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।